10 अक्टूबर यानी आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। अब 9 दिन तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन तक देवी धरती पर रहती हैं। यह साधना का बहुत ही अच्छा समय होता है। बता दें, नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा रूप है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तपस्विनी जैसा है। ये अपने भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करती है। यदि सच्चे मन से देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा कर ली जाए तो जीवन में तप, उपासना और संयम में वृद्धि होती है। देवी ब्रह्मचारिणी शांत होकर तप में लीन रहती हैं। इसी के चलते इनके मुख पर गुस्सा हमेशा झलकता रहता है। माँ के एक हाथ में चंदन की माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। चलिए आपको बताते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के नियम क्या है। माता की पूजा के लिए पीले या सफेद वस्त्र पहने, माँ को सफेद वस्तु अर्पित करें जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। स्वाधिष्ठान चक्र पर ज्योति का ध्यान करें या उसी चक्र के अर्धचंद्र का ध्यान करें। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम अहं नमः का जाप करें। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दधाना कर पधाव्या मक्षमाला कमंडल्यु देवी प्रस्तुतु मई ब्रह्मचरिण तु नाम तुम्हा। इस मंत्र का भी आप जाप करके माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट।